जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अब प्रदेश में 3.5 लाख तक की कमाई वाले पर भी मिलेगी बुढ़ापा पेंशन। सरकार ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दिए गए आंकड़ों से बन रही है पेंशन। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटने को लेकर बन रहे संशय को विधानसभा में दूर कर दिया है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं कटेगी जिनकी सालाना आय 3,50,000 तक है। इससे अधिक आय होने पर पेंशन काटी जा सकती है। सरकार ने अभी तक उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन काटी है अथवा रोकी गई है जो इस दायरे से अधिक कमाई कर रहे हैं। अभी तक विपक्ष आरोप लगा रहा था कि 2 लाख तक आय वाले बुजुर्ग दंपति की पेंशन काटी जा रही है। सरकार ने कहा कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। अब प्रदेश सरकार पेंशन प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की कोशिश में है। सरकार विधिवत रूप से पेंशन के पात्रता के लिए सालाना आय का दायरा बढ़ाने जा रही है। समय सीमा कितनी बढ़ेगी इसका अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक पर होगा। वर्तमान में 1,80,000 रुपये तक वार्षिक कमाने वाले लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलता था। सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया कि पेंशन को परिवार पहचान पत्र PPP के साथ लिंक किया गया है, इसलिए परिवार पहचान पत्रों में जो भी आय दी जाएगी उसमें 3.5 लाख या उससे अधिक आय होने की जानकारी खुद न खुद सरकार के पास पहुंच जाएगी। दोस्तों जुड़े रहें, धन्यवाद।